नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आज पूरे दिन के बड़े घटनाक्रम तो आप सबको मालूम है। जिस तरह से लालू यादव को ईडी ने पूछताछ के बुलाया, 5 घंटे तक लगातार पूछताछ चली और बाहर जो लालू यादव की पार्टी के तमाम समर्थक थे उन्होंने जमकर हंगामा किया, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए। लेकिन इस बीच में जो ईडी की पूछताछ थी वो चलती रही, लेकिन ईडी का शिकंजा सिर्फ लालू यादव और उनके परिवार पर नहीं था। ईडी दिल्ली पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर भी पहुंचे। हेमंत सोरेन कौन है? हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, और उन पर भी एक घोटाले को लेकर लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि इस पूरी खबर में डेवलपमेंट तो यही रहा कि हेमंत सोरेन वहां पर मिलते नहीं है। उसके बाद उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने ईमेल के जरिए अपनी बात रखने का हवाला ईडी को दिया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर निकलकर पश्चिम बंगाल की धरती से आई, वो खबर यही थी कि शांतनु ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री, उन्होंने 7 दिनों के अंदर सीएए को लागू कराने का वादा जैसा एक बड़ा उद्घोष कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि 7 दिनों के अंदर सीएए लागू हो जाएगा। एक बार फिर से सीएए और एनआरसी का विवाद राष्ट्रीय पटल में विषय बन सकता है। तो ये तमाम डेवलपमेंट रहे, लेकिन इन तमाम बड़ी खबरों पर और अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी भी जुड़ेंगे। दीक्षा मेरे साथ यहाँ पर हैं। दीक्षा, भी कुछ बड़ी खबरें आपने पूरे दिन में सुनी होंगी, ऐसी कौन सी बड़ी खबरें रहे जो आपको लगता है कि देश का ध्यान इन खबरों ने खींचा होगा? देखिए आलोक, सबसे पहले मेन खबर जो आज की रही है वो बिहार से जुड़ी हुई रही है। लालू प्रसाद यादव को कल आपने देखा होगा, दोहरी मार लालू प्रसाद यादव को देखने को मिली है, क्योंकि कल बिहार में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। सुबह सीएम ने, शाम को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और सुबह उन्होंने रिजाइन किया था। फिलहाल अब जो लालू यादव है, दोहरी मार ये कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को हटा दिया गया, वहीं सीएम नीतीश कुमार बन गए और आज लालू यादव को ईडी के सामने पेशी होने का उन्होंने पेश किया गया। और लालू यादव ने इससे पहले कहा था कि अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप घर पे आके, मतलब बिहार आके आप पूछताछ कर लीजिए, क्योंकि लालू यादव ने ये कहा था कि वो दिल्ली नहीं आ सकते हैं, जिसके चलते ईडी अब बिहार पहुंची थी और उनसे पूछताछ की गई थी। वहीं बात करें अब लालू यादव की बेटी की, तो लालू यादव की बेटी जब पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंची थी तो उन्हें इनकार कर दिया गया, उन्हें मिलने नहीं दिया गया, वो खाना लेके पहुंची थी और उन्हें बाहर रुकने बिठा दिया गया। तो फिलहाल जो बिहार की सियासत है वो कल से लगातार बनी हुई है, उठापटक देखने को मिल रही है, क्योंकि कल एक तरफ देखा जा रहा है कि जहां से नीतीश कुमार जैसे सीएम बने, वहीं लालू यादव की आज ईडी के सामने पेशी हो गई। बिल्कुल, तो जिस तरह से इस खबर को आपने बताया, तो आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं घटनाक्रम 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है? क्योंकि बीजेपी ने अपना लक्ष्य पहले ही तय कर रखा है कि 400 के पार हम जाने वाले हैं। अब 400 के पार अगर उसको जाना है तो जो क्षेत्रीय दलों के बड़े क्षत्रप हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव, कोई छोटे मोटे नेता तो बिहार के हैं नहीं। बिहार में एक समय था जब उनकी तूती बोला करती थी और आज भी सरकार बनाने की स्थिति में वो हो सकते थे अगर कुछ समीकरण बीजेपी ने सेट ना किए होते। तो एक तरफ इनको कमजोर किया गया। झारखंड में जिस तरह से शिवू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन, उनके ऊपर ईडी ने अपना शिकंजा कसा, तो एक बड़ा मैसेज उत्तर भारत में धीरे धीरे बीजेपी ने देना शुरू कर दिया है कि अगर विकल्प कोई बेहतर है तो सिर्फ और सिर्फ एनडीए या उसके गठबंधन के तमाम सहयोगी दल। तो आपको लगता है कि बीजेपी की ये तैयारी 400 के पार वाली होने वाली है? लेकिन आपकी बात से मैं आलोक सहमत तो हूँ, क्योंकि मोदी सरकार लगातार कह रही है कि इस बार 400 के पार, बट देखा जाए कि लगातार जिस हिसाब से बीजेपी लगातार, वहीं हेमंत सोरेन की बात आपने करी, ईडी की आज उनके सामने पेशी, और हेमंत सोरेन को 10 बार ईडी का समन जा चुका है, कई बार वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके चलते ईडी ने 10 बार उन्हें समन भी भेजा है और जिसके चलते आज वो दिल्ली के उनके आवास पर पहुंची तो वहां से वो नदारद मिले। फिलहाल इसको लेकर ये भी कयास लगाया जा रहा है कि हेमंत सोरेन कहीं छिप गए हैं या सामने नहीं आ रहे खुल के, ये भी दूसरी बात है। लेकिन वहीं अगर आप बात करें दिल्ली सरकार की, अरविंद केजरीवाल की बात करें, तो उनका भी ये बयान सामने आया कि उनके भी विधायकों खरीद की बात की जा रही है, बीजेपी लगातार उनके विधायकों के संपर्क में है और करोड़ रुपए देने का वादा कर रही है। वहीं अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में जितना बड़ा उलटफेर देखने को मिला, ये तो एक कयास ये भी लिखाए जा रहे हैं कि ये जनता के साथ धोखा किया गया है। सवाल जो खड़े हो रहे हैं बिहार में ये, क्योंकि जनता बहुत नाराज है। जनता ठीक है, दीक्षा नाराज है, लेकिन जनता फिर तब भी तो नाराज हो सकती थी जब नीतीश कुमार पहले सरकार बीजेपी के साथ बनाते हैं, उसके बाद फिर लालू यादव के साथ आ जा सकते हैं। अब उनको फिर से कुछ चीजें खटकी, अब वो बोल रहे हैं कि भाई जंगल राज को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया सकता है। तो जनता अब भी तो नाराज हो सकती, तो जनता तो तब भी नाराज थी। तो जनता की नाराजगी की यहाँ पर पार्टी को ज्यादा परवाह है, या जो आपस में गठबंधन का एक धर्म होता है उसमें कुछ एक कॉमन प्रोग्राम तय किया जाता है कि इन मुद्दों पर हम सहमत हैं, जब उन मुद्दों पर सहमति ही नहीं बचेगी
तो फिर गठबंधन का तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, तो ये गठबंधन टूट गया। तो इसमें मुझे लगता है कि जनता की नाराजगी ज्यादा मूल्यवान तो ये है ना कि आगे चल के स्थायित्व तो कौन दे पाएगा, विकास की भारत आखिर कौन सी सरकार, कौन सा दल दे पाएगा। अब नीतीश कुमार का दावा यह है कि मैं इनके साथ विकास नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने जनता को ही केंद्र में रख के तो अपनी बात रखी। अब तेजस्वी अगर ये बोलते रहे कि मैं गठबंधन धर्म का पालन कर रहा था, हमने अपना समर्थन वापस नहीं लिया, लेकिन ये चीजें अब 2025 में ज्यादा अच्छे तरीके से जनता समझेगी या इस पर बहस करेगी। लोकसभा चुनाव के अनुसार आपको क्या लगता है कि किसका खेमा ज्यादा मजबूत हुआ, बीजेपी का ज्यादा मजबूत हुआ या आरजेडी का? क्योंकि आपको याद होगा कि 39 सीटें नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर ही जीती थी, अकेले दम पर यह संभव नहीं था। देखो आलोक, जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार थे तब उस टाइम पे उसके बाद में उन्होंने पलटी मार के फिर कांग्रेस और आरजेडी के साथ आ गए। उन्होंने वही काम किया जो उन्होंने पहले कर चुके हैं। अब उन्होंने इसमें आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं वहीं आ गया हूं जहां मैं पहले था, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये बयानबाजी जो दी जा रही है नीतीश कुमार की तरफ से, इसमें कितनी सच्चाई है? जनता तो आपकी बात जो आपने कही है, जो जनता से वादा की है, आप तो अब बिल्कुल वही बात हो जाती कि अमित शाह ने उन्हें पलटू राम कहा था, अब उन्हीं की पार्टी में आ गए हैं और जनता उसी नाम से उनको संबोधित कर रही है कि आखिरकार इनकी बातों पे कैसा भरोसा किया जाए? अगर लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं आप, अगर लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार वोट मांगने जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, तो क्या कहेंगे वो? और अगर वो कहेंगे तो जनता उन पे विश्वास क्या कह के करेगी कि कल तक ये जिस पार्टी में थे, जिस पार्टी के लिए ये बोल रहे थे, यहां तक ये कह दिया था कि मैं मरने को तैयार हूं लेकिन इस पार्टी में नहीं जाऊंगा, तो आप ऐसे नेता पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक इसकी दूसरी परिस्थिति का भी आप एक बार आकलन कीजिए। जिस तरह से जब घोटाले की बात सामने आई कि जमीन के बदले नौकरी, ये पूरा स्कैम जब सामने आया, तो उसमें जब तेजस्वी यादव को रेखांकित किया गया, जब उनके दिल्ली के आवास पर छापा मारा गया, ईडी ने भी छापा मारा, सीबीआई ने भी छापा मारा, समन लगातार भेजे गए, तब नीतीश कुमार चुप थे और जनता ने तब भी इनसे साफ तौर पर प्रश्न पूछे थे कि भाई अब क्या हुआ, आप तो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते थे, अब आपकी डिप्टी सीएम के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप तब खामोश हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर साथ रह जाते तो भी नुकसान ही होता था? और मुझे लगता है कि जो छवि आरजेडी की बनी है, और अब जब लगातार ईडी उसमें प्रश्न पूछ रही है, सीबीआई प्रश्न पूछ रही है, इसके साथ ही जो स्थानीय पुलिस है वहाँ पर भी तमाम केस जब रजिस्टर हो रहे हैं, तो जब सवाल नीतीश कुमार से पूछा जाता कि भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करके सुशासन बाबू के तौर पर आप बिहार की राजनीति में आए थे, अब क्या हुआ? आपके उप मुख्यमंत्री, आपके तमाम नेता, आपके मंत्री जब लगातार शिकंजे में आ रहे हैं और आप खामोश बैठे हुए, तो शायद ज़्यादा नुकसान होता ना। तो आपको नहीं लगता कि अब वो उस तरफ गए हैं जहाँ पर नुकसान की कम से कम संभावना है? लेकिन आलोक जी, मेरा आपसे सवाल एक है लास्ट में, ये कि अगर मोदी सरकार ने नीतीश कुमार को अपने पाले में लेकर 400 पार का एजेंडा साफ कर दिया है, सही किया है नीतीश कुमार को अपने पाले में लेकर या गलत किया है, आप क्या क्या कहेंगे? अगर कुछ इसमें गलत की संभावना होती तो नीतीश कुमार कभी भी उस दरवाजे के अंदर तो आ ही नहीं पाते ना, जिसके लिए खुद अमित शाह ने बोल दिया दरवाजा बंद है। गिरिराज सिंह तो आए दिन बोलते थे, उनकी तो कम से कम ऐसी 50 बाइटें आपको मीडिया मिल जाएंगी जिसमें वो हर दिन बोलते थे कि अब दरवाजा हमारा बंद हो चुका है। तो सवाल 400 के पार का ही है, और इसमें नीतीश कुमार से निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा होगा और नीतीश कुमार को भी फायदा होगा, क्योंकि वो जिस खेमे में थे आने वाले विधानसभा चुनाव में, उनको उस पार्टी की छवि के अकॉर्डिंग नुकसान हो सकता था। आप झारखंड की तस्वीर देखिए, वहाँ के जो कद्दावर नेता हैं उनके पीछे ईडी है। अगर आप पश्चिम बंगाल की तस्वीर को देखेंगे तो लगातार ममता बनर्जी को भी घेरने का प्रयास है, और दिल्ली की ही अगर आप तस्वीर को देखें, मनीष सिसोदिया जेल में है, जो वहाँ के राज्यसभा के सांसद हैं आम आदमी पार्टी से दिल्ली से, वो भी इस वक्त जेल में है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार होने की छवि को लेकर पहले एक आंदोलन चलाती है, सत्ता में आती है और लगातार सत्ता में बनी भी रहती है, एक पड़ोसी राज्य में कब्जा भी जमा लेती है, उसको भी अब धीरे धीरे ये बताने का प्रयास एनडीए खेमे की तरफ से किया जा रहा है। लगातार आपने प्रवक्ताओं के बयान सुने होंगे, वो बताते हैं कि आप लोग भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर रहे, आप खुद भ्रष्टाचारी हैं। तो निश्चित तौर पर एक तरह से हर राज्य पर ध्यान देते हुए, चाहे आप झारखंड की बात करें, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, आप किसी भी राज्य का आप नाम ले लीजिए, हर जगह पर बीजेपी ने ये सेट करना शुरू कर दिया कि विकल्प अगर कोई बेहतर है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है, और बीजेपी के साथ जो घटक दल है, यानी जो एनडीए के घटक दल हैं, वो अगर आपके साथ विकल्प के तौर पर हैं, अगर आप उनको अपना मतदान करते हैं तो आपका मतदान व्यर्थ नहीं जाएगा, बाकी अगर आप किसी को वोट देते हैं तो आप अपना वोट ही व्यर्थ कर रहे हैं। और ये नरेंद्र मोदी जी सेट करने में कामयाब हो रहे हैं धीरे धीरे, इसीलिए ये कहा जा सकता है कि 400 का आंकड़ा कोई जादुई आंकड़ा नहीं रह जाएगा। आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद राजीव गांधी ने 1985 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तो इस आंकड़े को पार कर गए थे। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी इस आंकड़े को पार कर सकते हैं, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इंतजार करना ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन हाँ, परिस्थितियाँ धीरे धीरे बीजेपी इसके पक्ष में बना रही है। उन्होंने आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन को कभी भी वोट नहीं दिया था, उन्होंने जिसको वोट दिया था वो जेडीयू और बीजेपी का ही खेमा था,
और उसी में ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तो जनता को इस बात से शायद ही ज्यादा फर्क पड़ता कि कौन किसके साथ है। हाँ, विकास का जो वादा किया था वो होते रहना चाहिए और उसकी तस्वीर आए दिन प्रधानमंत्री भी खींचते ही रहते हैं, दिखाते ही रहते हैं। और जो इबारत उन्होंने तय की है कि 2047 में हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे और जो महाशक्ति आज पांचवी है वो धीरे धीरे तीसरे या दूसरे नंबर पर आ जाएगी, इस वादे के साथ निश्चित तौर पर बीजेपी ने हुंकार भर दी है कि अब की बार 400 के पार। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।